जब जो फिल्म में स्केट में देखता है कि हमारी पत्नी नष्ट हो चुकी हैं और बहुत दुखी होता है और अगले पहले वो बोलता है कि वी शैल आल ग्रो हंग्री दी हियर, वी शैल आल ग्रो, हम सभी ग्रो, वी शैल आल ग्रो, हम जाएंगे हंग्री भी भूखे रह जाएंगे दिस ईयर में, इस साल हमारे लिए कोई अन्न नहीं हुआ अतः हम भूखों रह जाएंगे। इन दी हॉर्स हृदय में आप आर सबसे सबसे हृदय में हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में, मतलब उस अकेले घर में जितने भी सदस्य थे उनके हृदय में, इन दी मिडिल ऑफ द वैली, उस घाटे के मध्य में, उस घाटे के मध्य में एक घर था और उस घर के जो सदस्य थे देर उनमें देर वाले सिंगल हो, मात्र एक ही आशा थी हेल्प कामगार, हेल्प मी सहायता कामगार, मिस ईश्वर उन लोगों के हृदय में मात्र एक ही आशा थी, वो आशा यह थी ईश्वर से सहायता की और दूसरे से किसी की सहायता की आशा नहीं थी। डोंट बी सो से कहता है डोंट बी सो आपसे इतना अपसेट मत हो, अपसेट मत हो, डिटर मत हो कि बहन दो एजेल की दिस सेम यह प्रतीत होता है लाइक ए टोटल लॉस पूर्ण नुकसान की तरह, एजेल की यह पूरा एजेल की यह पूर्ण रूप से नुकसान है, यह पूरा नुकसान है कि भी आपसे मत हो। रिमेंबर याद रखो नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता, आप हमें रोग से याद रखो कोई भी रोग से नहीं मरता, दैट इज वाई यही वही है देश जिस लोग कहते हैं यही ऐसा ही लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर कि कोई रोग से नहीं मरता। आल थ्रू द नाइट, आल थ्रू द नाइट पूरी रात लैंचो थॉट, लैंचो सोचता रहा है, लैंचो सोचा वन बी आर थ्री वन हो मात्र अपनी एक आशा के बारे में, ईश्वर की सहायता की आशा के बारे में वह पूरी रात सोचता रहा। भूज आइज जिसकी आगे ईश्वर की आगे आइज की हाई नहीं सकते, जैसा कि उसे निर्देश किया गया था बताया गया था सी एवरीथिंग सब कुछ देखती हैं, मिस ईश्वर की आंखें सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट एजेल की जो कुछ भी इस डीप गहराई में है इन वन कंटेंट, इस एक की चेतना, एक कंटेंट की चेतना, एक के अंदर कर्म में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसे भी ईश्वर की आंखें देख रही हैं। लैंडो आज है आसाब में, लैंडो आज लैंडो था आज आसाब में मैं इस फाइल की तरह कर रही हूँ, वह दिन कार्य करता था लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वह खेतों में जानवर की तरह काम करता था, बट लेकिन स्टील ही न्यू वह जानता था हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। दिस फॉलोइंग संडे आने वाले रविवार को एट रेलवे सुबह ही भी गए, उसने शुरू कर दिया टू राइट मिस लिखना, मिस आने वाले रविवार को सुबह ही उसने लिखना शुरू कर दिया, राइट लेट दिस पत्र विच ही जिसे वह हिंसर मिश्रता उद कैरी ले जाता है टू द डाउनटाउन कस्बे को एंड प्लेस और रख देता है इन द मिलेज मिस मिलेज में, जिसे मिस अगले रविवार को वह सुबह सुबह ही पत्र लेता है और उस पत्र को वह स्वयं कस्बे ले जाता है और उसे मेल में छोड़ देता है, फिर अगले टर्न में अगली जगह ले जाएगी। आज के लिए